Discuss the topic breathing and exchange of gases. This is the chapter number 17 of NCERT. So let's start with the new chapter. Firstly, what is breathing? Breathing heck exactly. Breathing is inhalation or exhalation. Breathing is inhaling fresh air or exhaling foul air. और ब्रीदिंग इज इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी डेफिनेशन ब्रीदिंग की यहाँ पे हमने देखी बट क्या हमने ये बात समझने की कोशिश की कि जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इसको रिलेट करते हैं ऑक्सीजन का लेना इज़ ब्रीदिंग सी ओ टू का एक्सेल कर देना इज ऑल्सो ब्रीदिंग बट हम पूरी एयर में से क्या ऑक्सीजन का चयन कर पाते हैं कि भाई हमें केवल ऑक्सीजन ही लेनी है या जब हम एक्जेल करते हैं तो हम वहाँ चयन करते हैं कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें एक्जेल करनी है क्या ये पॉसिबल है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल क्यों नहीं है एयर एक मिक्सचर है गैसेस का ये हम अपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर इज हैविंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नियॉन आगंडस पार्टिकल्स बहुत सारी चीज़ें एयर में प्रेजेंट हैं तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है बिल्कुल भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम यहाँ पे केवल ऑक्सीजन का चयन करें बट जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के सेलेक्ट करने की तो वो जब होता है जब हमारी लंग्स तक जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर हमारे लंग्स तक जाती है और लंग्स की सहायता से फिर वो ब्लड में डिफ्यूज़ होती है एयर में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होता है क्योंकि हमारे ब्लड के पास हीमोग्लोबिन है जो उस ऑक्सीजन का चयन करके उसको पकड़ लेता है और फिर वो ऑक्सीजन टिश्यूज से सेल्स तक पहुंच जाती है और उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाती है तो ध्यान रखिएगा कि जितनी भी गैसेस हम इनहेल करते हैं उसमें से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के काम में आ जाती है और नाइट्रोजन भी ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी पूरी तरीके से करती है नाइट्रोजन भी ब्लड में घूम फिर के फिर एक्जेल आउट हो जाती है बट एक्जेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है तो हम सारी गैसेस इनहेल भी करते हैं सारी गैसेस एक्सेल भी करते हैं बट जब बात आती है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तो वो दो ही गैसेस पे निर्भर है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जब हम ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं तो ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी थीम पे बेस्ड है कि किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में से सेल में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड के रास्ते में आके और एक्जेल आउट हो जाएगी ये हमारी पूरा चैप्टर का थीम है अब यहाँ पे जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक और टर्म आती है रेस्पिरेशन लाइक द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी हम जो खाना खाते हैं उसमें एनर्जी स्टोर्ड है और वो एनर्जी जब रिलीज होती है जब हम रेस्पायर करते हैं यानी कि चाहे हम हमारी बात करें या किसी यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म की बात करें धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बात कर लें तो सभी ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए रेस्पायर करना ही पड़ेगा यानी कि रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप अभी तो ब्रीदिंग बोल रहे थे अब आप रेस्पिरेशन पे कैसे स्विच हो गए तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स हैं बट आर इंटर रिलेटेड तो पहले हम इन दोनों टर्म्स को समझेंगे कि ये दोनों टर्म्स हमें किस तरीके से अपना अपना डेफिनेशन दे रहे हैं जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग में एयर हमारे लंग्स तक जाती है एयर कहां तक गई हमारे लंग्स तक इस फिगर में हमें दिखाई भी दे रहा है कि एयर लंग्स तक जाती है लंग्स में सेल्स हैं सेल्स की सहायता से एयर जो है वो ब्लड में जाती है यानी कि जो सेल्स हैं लंग्स की जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उनकी सहायता से एयर ब्लड में जाती है ब्लड से जाती है टिश्यूज में और टिश्यूज से जाती है सेल में तो यहां पे पूरा थीम ये चैप्टर का है अब ध्यान से समझें तो जब एयर लंग्स तक जाती है ये वाला पार्ट इसको हम नॉर्मली ब्रीदिंग बोल देते हैं इस प्रोसेस को नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं ब्रीदिंग और जब लंग्स से यानी कि लंग्स की जो सेल्स है यानी कि एल वीओलाई है जो एल्वियोलाई है वो लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इसकी डिटेलिंग भी हम आगे करेंगे तो लंग्स से जब ऑक्सीजन ब्लड में जाती है जब डिफ्यूजन होता है तो इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं यानी कि ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक ही बात है हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज रेफर्ड एज ब्रीदिंग जब ब्लड से टिश्यूज और टिश्यूज से सेल में गई तो इसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन क्योंकि टिश्यू में जा रही है तो इसलिए इसको बोला जाता है टिश्यू रेस्पिरेशन भी क्योंकि सेल में जा रही है इसलिए इसको बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी अब यहां पे सेल में क्यों जाना इसका जरूरी है सेल में इसका जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी फूड हमने खाया है उसमें ग्लूकोज है अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं वो ब्लड की सहायता से हमारी सेल तक पहुंच चुके हैं ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं बस उसी चीज को अगर हम यहां पे लिंक करें तो हम क्या बोलेंगे कि उस फूड के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड हुआ उस फूड के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड हुआ यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन का बाइंड होना क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन क्या प्रोड्यूस होगी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इसीलिए हमने यहां पे क्या सेंटेंस यूज किया द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द ओटो इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स हमने क्या बोला कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा जब फूड का ब्रेक डाउन होगा तो उस वक्त हम ये बोलेंगे कि फूड एक लार्ज मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन हुआ स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और पैरेलली क्या प्रोड्यूस हुई एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस एक प्रकार का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो एंजाइम्स की सहायता से होता है और यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के दो छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और क्या रिलीज होती है एनर्जी तोड़ने में एनर्जी रिलीज हुई सो वी कैन से दैट एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एनर्जी बनी उसकी सहायता से एक ऑर्गेनिज्म अलग-अलग एक्टिविटी करेगा सीओ टू वो अपने पास नहीं रखेगा सीओ टू रिलीज हो जाएगी सीओ टू विच इज हार्मीज ड्यूरिंग द अब कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि जो भी कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में क्या रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से एक बात याद रखनी है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग-अलग है ब्रीदिंग केवल वो प्रोसेस है जिसकी सहायता से ऑक्सीजन लंग्स तक आती है और CO2 लंग से बाहर चली जाती है बट उस ऑक्सीजन की सहायता से जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेशन का ही पार्ट है ब्रीदिंग ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्योंकि जब तक ब्रीदिंग नहीं होगी तब तक ऑक्सीजन मिलना असंभव है नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओ टू फ्रॉम द एटमोसफेयर क्योंकि ऑक्सीजन एटमोस्फेयर से ली जा रही है विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई द सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है इस कॉल्ड ब्रीदिंग उसको नॉर्मली हम ब्रीदिंग बोलते हैं एंड कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन उसको कॉमनली क्या बोला जाता है रेस्पिरेशन बट याद रखिएगा जहां पे वर्ड आ गया रेस्पीरेशन तो ध्यान रखना यह हंड्रेड परसेंट एंजाइमेटिक प्रोसेस है एंजाइम्स की सहायता से होगा जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इस चीज की सारी की सारी डिटेलिंग हम प्लांट फिजियोलॉजी में करेंगे जब हम सेल्युलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पे रेस्पिरेशन की हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि रेस्पिरेशन क्या है रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन रेस्पिरेशन सबसे पहले इन दो वर्ड्स को समझे एरोब का मतलब होता है एयर की प्रेजेंस में एरोब का मतलब होता है एयर की प्रेजेंस में और नेचुरली एयर में क्या है जो बॉडी को चाहिए वो है ऑक्सीजन एन का मतलब होता है नहीं होना एरोब का मतलब एयर का तो यानी कि किसका नहीं होना एयर का नहीं होना या ऑक्सीजन का नहीं होना कहलाता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी जो एरोबिक एरोबिक और एन रेस्पिरेशन है इसको थोड़ा सा समझें कि, कि किस तरीके से एक सेल में एरोबिक या एन एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन का मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एक मॉलिक्यूल का टूटना ही रेस्पिरेशन है मान लीजिए हम जब खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन सब खाते हैं उसमें से जो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा चाहिए जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो है ग्लूकोज ग्लूकोज एक प्रेफर्ड सबस्ट्रेट है प्रेफर्ड मतलब कि बॉडी सेल सबसे पहले ग्लूकोज को डाउन करना पसंद करती है क्योंकि आसानी से टूटता है बहुत ज्यादा सेल को मशक्कत नहीं करनी पड़ती और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है यानी कि ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज की नीडेड है सेल को अब यहां पे मान लीजिए हमने यहां ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया एक ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो यहां पे बनता है पायरूवेट ये हल्का सा टेंथ का डिस्कशन है क्योंकि इस पार्ट के लिए जरूरी है आपको समझना कि किस तरीके से एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट बनता है ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और ये रिएक्शन चलती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में रिएक्शन कहां चलती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में अब यहां पे एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट तक का बनना कॉमन है यानी कि पायरुवेट तो बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन ये है कि कितने ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं तो एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं या कई बार पायरुबिक एसिड भी लिखा हुआ आ सकता है अब यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब इस पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वाटर बनता है और 38 एट का फॉर्मेशन होता है टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ध्यान से सुनिए टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि रिएक्शन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करती है सेल 38 एट यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ही होगी वाटर एज अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज होता है जब हम एक्सेल करते हैं शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वेपर सामने आती हैं क्या है वो वाटर तो वाटर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फिर हम बात करते हैं एनारोब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ही नहीं तो यहाँ पे दो कंडीशन है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है तो इसीलिए ये दो टाइप का है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन की पायरुवेड तक तो बनेगा ही बनेगा चाहे लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन हो तो यहां पे पायरुवेड बन गया और पायरुवेड से जब लैक्टिक एसिड बना पायरुवेड से लैक्टिक एसिड बना और टू एटीपीज का फॉर्मेशन हुआ तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होगा और कब होगा क्यों और कब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये हमारी मान लीजिए मसल सेल है इसको अब हम कंसिडर कर लेते हैं मसल सेल तो मसल सेल ने पायरुवेड तक तो बना दिया पायरुवेड तो बनेगा ही बनेगा अब ऐसा कब करेगी हमारी मसल जब हम एरोबिकली काम कर रहे हैं यानी कि हमारी मसल सेल्स एरोबिकली काम कर रही हैं बट सडनली हमने मसल सेल्स के स्टेमिना से ज़्यादा काम उनसे करवा लिया स्केलेटल मसल जो बोन से जुड़ी मसल है हाथ और पैर की ये मसल्स कौन से स्केलेटल मसल्स हैं तो जब स्केलेटल मसल से काम ज्यादा करवा लेते हैं हम बहुत ज्यादा स्टेयर्स चढ़ लिए या एक्सरसाइज नहीं करते हैं सडनली दो तीन घंटे का वर्कआउट कर लिया तो बहुत जोर से मसल में दर्द होता है दूसरे दिन उसका रीजन क्या है कि हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ गई और अवेलेबल ऑक्सीजन कम हो गई तो डिमांड ज़्यादा अवेलेबल ऑक्सीजन कम तो हमारी मसल सेल्स तुरंत एनारोबिकली रेस्पायर करेंगी और जो रिएक्शन है एनारोबिकली साइटोप्लाज्म में चलेगा और मसल में बन जाएगा लैक्टिक एसिड और इसी कारण मसल फटीग होगा और कम एनर्जी बनेगी क्योंकि फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी मसल सेल्स एनएरोबिकली रेस्पायर करती हैं और इस कारण से हमारी मसल सेल्स में जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड फिर हम बात करते हैं दूसरे फर्मेंटेशन की जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी पाइरुवेट तो बनेगा ही बनेगा पाइरुवेट के साथ यहां बना एथाइल अल्कोहल और बना टू एटीपीज यानी कि ग्लूकोज से पाइडोवेट और पायडोबेट से इथाइल एल्कोहल बना ऐसा कहा बनता है ऐसा बनता है सेल में या कुछ माइक्रोब्स को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ब्रिवेजर इंडस्ट्री में एल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए तो वहां पे एनारोबिक कंडीशन में जो सेल्स से हैं उनमें रेस्पिरेशन चलता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है कौन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का तो ये बात हो गई टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की वहीं हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के सब टाइप्स की तो ये दो टाइप का है डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन सबसे पहले बात की जाए डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या है जब एक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है और उसके रेस्पिरेशन में कहीं भी इन्वॉल्वमेंट ना तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का होता है ना ही ब्लड का होता है तो क्वेश्चन ये है कि तो वो रेस्पायर करेगा कैसे तो उसकी जो बॉडी सरफेस है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है और डायरेक्टली वो सेल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या एयर रिसीव करती हैं जैसे मान लीजिए हम अमीबा की बात करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो ये जो अमीबा है इसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाती है एनवायरमेंट से क्योंकि इसकी एंटायर बॉडी सरफेस एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है यहाँ पे कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है ना ही कोई ब्लड है उसी तरीके से पॉरीफेरा में भी ऐसा ही होता है सीलियनड्रेटा में भी ऐसा ही होता है एस हेलमिंथीज में भी ऐसा ही होता है कि जितनी भी सेल्स हैं वो एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है और डायरेक्ट एनवायरमेंट से क्या ले लेती हैं ऑक्सीजन ले लेती हैं बिना किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की मदद के और बिना किसी ब्लड की मदद के फिर हम बात करते हैं इन डायरेक्ट रेस्पिरेशन जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे मौजूद है यानी कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है और ब्लड भी प्रेजेंट है हम हमारी बॉडी की बात कर लें तो जब हम हमारी बॉडी की बात करते हैं तो हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर लेता है सेल्स तक पहुँचाता है बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है ऑक्सीजन को पहुँचाने की मदद करता है ब्लड यानी कि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जहाँ पे ऑर्गन भी है और टिश्यू भी है और उस टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं ब्लड तो यहाँ पे ये दोनों टाइप के रेस्पिरेशन हमें समझ में आने चाहिए एक और क्वेश्चन है अगर हम डिफ्यूजन से एटमॉस्फेरिक एयर लेने के कैपेबल होते अगर हम डिफ्यूजन से एटमॉस्फेरिक एयर लेने के कैपेबल होते तो हमारी बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचने में तीन साल लग जाते अगर हमारी बॉडी में डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता इसीलिए किस प्रकार का रेस्पिरेशन है इनडायरेक्ट तो अभी तक हमने पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या हैं